आज के वीडियो में हम क्लास 11 के पाइथन के चैप्टर 6 के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी वो थी बेस फाइंड द आउटपुट और फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चंस पर बेस थी। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सिस्टम पे भी बताऊंगी, ठीक है ना। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं लिख नहीं रही हूँ बोर्ड पे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दूंगी, ठीक है, लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं रीड ही करके आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस अ जोक बट डिस्प्ले द पंच लाइन ओनली व्हेन द यूजर प्रेसेस एंटर की। मतलब हमें करना क्या है, एक जोक डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब जोक में एक पंच लाइन होती है जिस पर हंसी आती है, हंसी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उस पंच लाइन को हमें तभी डिस्प्ले करना है जब यूजर एंटर की प्रेस करे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जोक डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट फंक्शन यूज होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और जो भी हमारा जोक है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, ओके। तो सपोज मैंने डबल कोट्स में क्या किया, हमारा जो भी जोक है वो टाइप किया, ए बी सी डी, सपोज ये जोक है। मैं यहाँ पे कोई रियल में जोक नहीं टाइप कर रही हूँ। अब आपको जो भी जोक अच्छा लगे वो यहाँ पर मेरे इस ए बी सी डी की प्लेस पे आपका जो भी जोक है उसको आप टाइप कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूरा की पूरा कोड टाइप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ये आपके लिए टास्क है कि मेरे इस ए बी सी डी और पंच लाइन से आपको अपने जोक से क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी, मतलब जो भी आपको जोक है वो यहाँ पे लिख देना है, पूरा नहीं लिखना है, पंच लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है ना। तो आपका जो जोक का थोड़ा सा पार्ट है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ये हुई हमारे प्रिंट फंक्शन की एंडिंग। अब इस चीज को अचीव करने का ना एक और काम है, सपोज आपका जो जोक है वो एक से ज्यादा लाइंस में जा रहा है, बहुत लंबा है, तो आप जब इसको रन करोगे, जब आप इसको रन करोगे, आप अपने आईडीई पर जब इसको टाइप करोगे, और सपोज 5-6 लाइंस का आपका क्या है, जोक है, ठीक है। अब आप कंटिन्यू लिखते जाओगे तो उससे जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या चाहोगे कि हमारी जो ए बी सी डी है वो यहाँ पे टाइप करूं, एक्स वाई जेड जो मेरी सेकेंड लाइन है, लाइन नंबर 2 है, वो मैं नेक्स्ट लाइन में टाइप करूं। तो इसीलिए बेटर क्या है कि आप इसको ट्रिपल कोट्स में लिखिए, मतलब 3 बार सिंगल कोट्स लिखिए, ताकि आप नेक्स्ट लाइन भी आप टाइप करोगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में भी आप टाइप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप क्या कीजिए, ट्रिपल कोट्स लीजिए, ए बी सी डी, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। उसके बाद ये ट्रिपल कोट्स की क्या कर दीजिए, एंडिंग कर दीजिए। टाइप करने की कन्वीनियंस के लिए क्या है, ये ट्रिपल कोट यूज किया है कि आप नेक्स्ट लाइन में भी टाइप कर सको, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे डबल कोट्स ही लगाइए और ये एबीसीडी एक लाइन लिखने के बाद एंटर की प्रेस कीजिए और दूसरी लाइन टाइप कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिपल कोट्स का फंडा क्या है, क्यों हमने ये ट्रिपल कोट लगाया है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा जोक, जो कि 90% जोक मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पंच लाइन है वो कब डिस्प्ले होनी चाहिए, जब यूजर एंटर की प्रेस करे, ठीक है ना। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर एंटर की प्रेस करे, तो यहां पर हमारा यूज होगा इनपुट फंक्शन, क्या यूज होगा, इनपुट फंक्शन यूज होगा, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं सिंपली ऐसे इसको क्लोज कर देती हूं तो ये जोक डिस्प्ले हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो वेट करेगा कि यूजर कुछ एंटर करे। अब यूजर को तो पता नहीं है ना कि मुझे कुछ एंटर करना है, ठीक है। तो यूजर के सामने एक मैसेज आना चाहिए, प्रेस एंटर की, क्या आना चाहिए, प्रेस एंटर की, ओके। तो प्रेस एंटर की यूजर के सामने मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्वियसली यूजर क्या करेगा, एंटर की प्रेस करेगा। उसके बाद हमारी क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, पंच लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहां पे मैं क्या लिख देती हूं, पंच लाइन लिख देती हूं। तो अब आपको करना इतना सा काम है कि इसको रन करना है एक तो, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको अपना जोक लिखना है, यहाँ पे आपको आपके जोक की पंच लाइन लिखनी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये पूरा कोड जो है टाइप करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टूडेज डेट फ्रॉम यूजर देन डिस्प्ले हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन द करंट मंथ, ठीक है। अब हम पहले ना इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अब हमें ओनली ना डेट पार्टी चाहिए, डे पार्टी चाहिए। तो सपोज आज की जो डेट है वो क्या है, सपोज आज की डेट है 28 अगस्त और हम ईयर है 2022, सपोज आज की डेट ये है, ठीक है। अब हमें यूजर से पूरी डेट नहीं पूछनी है, हमें ओनली क्या पूछना है, ये वाला पार्ट ही पूछना है, कौन सा वाला, ये जो डेट वाला जो पार्ट है वो ही, डे वाला जो पार्ट है वही यूजर से क्या करना है, पूछना है, ठीक है ना। तो हमने ये वाला पार्ट तो यूजर से पूछ लिया, ठीक है। पूछ लेने के बाद अब देखो अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको 31 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, इसको 31 से
हमें सबट्रैक्ट करना है. ओके इसके बाद में हमें क्या करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है. तो अब टोटल कितने डेज बचे हैं, 29, 30, 31, टोटल 3 डेज बचे हुए हैं. ओके तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. क्या आना चाहिए रिजल्ट में, 3 आना चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए. एक तो क्या चाहिए हमें, ये जो डे पार्ट है वो यूजर से पूछना है, और दूसरा क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं देखी कि हम ऑगस्ट में कैलकुलेट कर सके, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं देखी अभी हमने, अभी जितना हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. ठीक है, तो अभी हमें जितना आता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना तो हमने सीख लिया है कैसे करना है, लेकिन हमें ये जो चीज है कि भाई करंट मंथ में कितने डेज होते हैं वो हमें किससे पूछने हैं, यूजर से पूछना है, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे. हम डायरेक्टली तो 31 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर करंट मंथ फेब्रुअरी होगा तो हम 31 से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो उस केस में हमें ये चीज भी क्या करनी है, यूजर से पूछनी है. तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं. तो अभी हमें सबसे पहले क्या पूछना है, यूजर से डेट पूछनी है. क्या पूछनी है, डेट पूछनी है. ओके तो उसको हम dt नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. अब क्योंकि हम यूजर से कुछ पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनपुट फंक्शन की हमें जरूरत है. तो यहां पर हमने क्या लिखा, इनपुट, और मैसेज हमें क्या देना है यूजर को, एंटर डेट. क्या देना है, एंटर टूडेज डेट. क्या देना है, एंटर टूडेज डेट. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डेट पार्ट ओनली, मतलब ये जो डे पार्ट है ओनली आपको यही एंटर करना है, ये भी आप मैसेज में दे सकते हो. ठीक है, तो मैंने तो ओनली क्या लिखा है, एंटर टूडेज डेट, ये लिख दिया मैंने. इसके बाद इसको किया क्लोज. लेकिन हमें इस पर करनी है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करनी है मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इसका मतलब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज किया. ठीक है, इसके बाद अब हमें यूजर से एक और चीज पूछनी है कि भाई करंट मंथ में कितने डेज हैं. ठीक है, तभी तो हम कैलकुलेशन कर सकेंगे. तो यहाँ पे सपोज मैं उसको डेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ. अब उसके लिए भी मुझे इंट फंक्शन चाहिए. क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है. यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट. अब देखो टोटल डेज इन, एंटर टोटल डेज इन, सॉरी यहाँ पे टोटल डेज इन करंट मंथ, डेज इन करंट मंथ. तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एंटर टोटल डेज इन करंट मंथ. ओके तो ये हमने मैसेज दे दिया. इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब ये टोटल कितने ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, ये 2 ब्रैकेट्स क्लोज होंगे. तो यूजर ने ये भी दे दिया. अब हमें ओनली क्या करना है, डेज रिमेनिंग, डेज लेफ्ट कैलकुलेट करना है. ओके तो यहां पर हम लिखेंगे डेज लेफ्ट, यहाँ पे अंडरस्कोर लेफ्ट, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेज माइनस dt, ये लिख देंगे हम. ठीक है, अब हमारे पास टोटल डेज लेफ्ट आ गए कि अभी के मंथ में कितने दिन बचे हुए हैं. ठीक है, तो इसको हमें सिंपली क्या कर देने का है, प्रिंट कर देना है. तो प्रिंट और यहाँ पे डेज लेफ्ट, ये हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है. आप चाहो तो इसको एक मैसेज के साथ में भी प्रिंट कर सकते हो, टोटल डेज लेफ्ट आर दिस. ठीक है, तो ये आपको करना है खुद को. ओके इसको मैं सिस्टम पे बता दूंगी बकायदा रन करके. तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट. अभी रन कैसे होगा, तो सबसे पहले यूजर के सामने मैसेज क्या आएगा, एंटर टूडेज डेट. तो यूजर के सामने मैसेज आया एंटर टूडेज डेट. आपने जो भी डेट एंटर की, सपोज आज की डेट 28 है तो आपने 28 एंटर किया. फिर वो चीज किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, dt नाम के वेरिएबल के अंदर. मतलब अब dt किसको पॉइंट करेगा, 28 को पॉइंट करेगा. फिर आपसे पूछा गया टोटल डेज इन करंट मंथ, मतलब ये चीज आप एंटर करो तो ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा. उसके बाद आपने सपोज 31 एंटर किया तो 31 यहां पर आ जाएगा. इसके बाद किसके अंदर चला जाएगा, वो 31 डेज के अंदर चला जाएगा. अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो डेज माइनस dt, तो डेज के अंदर क्या है 31 है, dt के अंदर क्या है 28 है, तो डेज लेफ्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, इस टाइप का आउटपुट जनरेट करना है. ठीक है, लेकिन हमें सिंपली ऐसे ही नहीं डिस्प्ले कर देना है 5, 10 और 9, तब तो बिल्कुल ही सिंपल है, प्रिंट स्टेटमेंट की हद से हम डिस्प्ले कर सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे बोल क्या रखा है, असाइन वैल्यू 5 टू अ वेरिएबल. तो पहले हमें 5 किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है. उसके बाद आगे बोल रखा है मल्टीप्लाई इट विद 2 टू जनरेट 10. तो उसको हमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ताकि 10 मिल सके. उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से ताकि हमें 9 मिल सके. तो ये सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है और यूजर से हमें कोई इनपुट नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्टली बोल रखा है कि आपको इसको असाइन करना है. ओके तो सबसे पहले हमने सपोज इसको असाइन किया ए के अंदर. ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू 5 हो गया.
अब इसको प्रिंट भी तो करेंगे, पहली थोड़ी ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। सिंपल सा काम है, प्रिंट किया, कैसे किया, ये a, ये प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करके उस रिजल्ट को बैक किस में स्टोर करना है, a में ही स्टोर करना है। फिर से हमें इसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट कर दिया a। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1 से सबट्रैक्ट करना है, तो a को 1 से सबट्रैक्ट किया, बैक रिजल्ट a में स्टोर किया और प्रिंट किया। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब ये रन कैसे होगा, पहले a इज इक्वल्स टू 5, मतलब a पॉइंट करेगा 5 को, ठीक है, और a प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a इंटू 2, तो पहले देखो 5 इंटू 2 10, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब अब a पॉइंट कर रहा है 10 को, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, a को प्रिंट करना है, मतलब ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, क्यों नेक्स्ट लाइन में आएगा, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, a माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9 हुआ, अब a किसको पॉइंट करेगा, 9 को जाके पॉइंट करेगा। फिर से हम a को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, मतलब 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई अबाउट प्रोग्राम सो एज टू प्रिंट आउटपुट एज, अब हमें आउटपुट कैसे प्रिंट करना है, 5 @10 @9। इसका मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, जबकि हमें क्या चाहिए, मतलब जो हमारा एंड लाइन कैरेक्टर, वैसे क्या होता है, एंड इज इक्वल्स टू बैकस्लैश एन होता है बाय डिफॉल्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रिंट की डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि कुछ भी प्रिंट करके फिर नेक्स्ट लाइन में आना है। अब इस चीज को हमें क्या करना है, चेंज करना है, हम क्या चाहते हैं, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में ना आए, उसकी वजह क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर एट द रेट आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या चेंजेस करें, तो अब हमें जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर करने हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू एट द रेट, क्या लिख देना है, एट द रेट, बस इतना सा हमें चेंज करना है और हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड वे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, एंड इज इक्वल्स टू एट द रेट लिख देना है, ओके, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, देखो a इज इक्वल्स टू 5 हुआ, a प्रिंट हुआ, इसके बाद अब नॉर्मली क्या होता है, एंड इज इक्वल्स टू बैक स्लैश एन, ऐसा नहीं होगा और हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, और न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एट द रेट कैरेक्टर आ जाएगा, और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम विद मैक्सिमम 3 लाइंस ऑफ कोड एंड दैट असाइंस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर टू 5 वेरिएबल्स एंड देन प्रिंट देम। ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, मल्टीपल असाइनमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। हमें किसी भी नंबर के 5 मल्टीपल्स को क्या करना है, असाइन करना है 5 वेरिएबल्स में और फिर उनको प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो वो नंबर कौन सा लें, तो क्यों ना वो नंबर यूजर से ही पूछ लें। तो सपोज हमने नंबर यूजर से पूछना है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और यूजर के सामने मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर द नंबर, क्या देंगे, एंटर द नंबर, मैसेज आपके ऊपर है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है आप कर सकते हो, ओके, ये हमने लिख दिया। अब क्योंकि नंबर है इस पर कैलकुलेशन करनी है, इसीलिए उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, इंट फंक्शन लगाना है, ठीक है। अब उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो सपोज हमने n के अंदर उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, तो हमारे पास नंबर तो आ गया, ठीक है। अब हमें उसके 5 मल्टीपल्स को क्या करना है, प्रिंट सॉरी असाइन करना है 5 वेरिएबल्स के अंदर। तो 5 वेरिएबल्स सपोज हमने ले लिए a b c d e, ये 5 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब सपोज हमारा जो नंबर है वो क्या है, 2 है, क्या है हमारा नंबर, 2 है, ठीक है। तो अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है। फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड मल्टीपल। 2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चीज क्या होगी, 5 टाइम्स चलेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या असाइन करना है, n इंटू 1,
फिर हमें यहाँ पे लिखना है n इंटू टू, फिर हमें लिखना है n इंटू थ्री, फिर हमें लिखना है n इंटू फोर, फिर हमें लिखना है n इंटू फाइव। बिल्कुल सिंपल सा ये काम था, ठीक है। अब हमें इनको प्रिंट कर देना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और फिर a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e। अब ये वर्क कैसे करेगा ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा, यूजर के सामने मैसेज आएगा एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर ये मैसेज आया, अब आपको कुछ एंटर करना है। एंटर सपोज आपने किया टू, वो टू इंटीजर में कन्वर्ट होके एन के अंदर असाइन हो जाएगा, मतलब एन कुल मिला के टू को पॉइंट करेगा। इसके बाद में अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो पहले राइट हैंड साइड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो एन मतलब टू, ठीक है। टू इंटू वन कितना आया टू, टू इंटू टू कितना आया फोर, टू इंटू थ्री कितना आया सिक्स, टू इंटू फोर कितना आया एट, टू इंटू फाइव कितना आया टेन। अब ये सब किसके अंदर असाइन होंगे, तो सबसे पहले ये 2a के अंदर असाइन हो जाएगा, फिर ये 4 किसके अंदर असाइन हो जाएगा b के अंदर, फिर ये 6 किसके अंदर असाइन हो जाएगा c के अंदर, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 असाइन हो जाएगा। अब सिंपली हम इन्हें क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 2 स्पेस 4 स्पेस 6 स्पेस 8 फिर 10, ये क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, आपका होमवर्क है, आपको ये खुद सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका कोड क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हमें इनपुट फंक्शन का यूज करके क्या लेना है, रेडियस लेना है, उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करना है, आप चाहो तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। देन एरिया क्या होता है 3.14 इंटू आर इंटू आर, तो इस तरह से एरिया कैलकुलेट हो गया, उसको प्रिंट करना है बस। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटपुट्स एवरेज मार्क्स, मतलब वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें यूजर से पूछने हैं और उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हमें 5 वेरिएबल्स यहाँ पर चाहिए और यूजर से पूछने हैं। तो सपोज हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हम m1 नाम के वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं, सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स हम m2 में ले रहे हैं, देन m3 देन m4 देन m5, ये हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट। अब यूजर से ले रहे हैं तो हम क्या कोड लिखेंगे, पहले हम इंट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, यूजर से पूछना है मतलब इनपुट तो लगेगा ही। अब यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं मार्क्स इन एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ओके फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। अब आप मैसेज जैसे आप चाहो डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हमने यूजर से पूछे। इसी तरह से हमें यही लाइंस को रिपीट करने हैं, कितनी बार रिपीट करना है हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है, ओके। ये हमने क्या किया 5 टाइम्स, मतलब सबसे पहले हमने क्या पूछे, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे, उसको m1 के अंदर स्टोर किया, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स m2 के अंदर, थर्ड के m3 के अंदर, फोर्थ के m4 के अंदर, फिफ्थ के m5 के अंदर हमने स्टोर किए, ठीक है। वर्क कैसे करेंगे ये फंक्शन आपको अच्छी तरह से पता है, एक बार हम इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये प्रिंट लाइन भी, चलो प्रिंट लाइन भी हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, हमें एवरेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने एवरेज और यहाँ पर ये कॉलन सिंबल लगाया, फिर यहाँ पे कॉमा avg, तो ये हो गया हमारा कोड। ड्राई रन करते हैं, सबसे पहले यूजर के आगे मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। 1st जो आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हो ये मार्क्स, ठीक है। अब आप कुछ एंटर करोगे, सपोज आपने 30 एंटर किया, वो 30 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होके m1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो 30 गया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में गया है, ठीक है। तो अब इंटीजर में कन्वर्ट होके m1 के अंदर क्या है 30 है। इसी तरह से अगली बार मैसेज आएगा सेकंड सब्जेक्ट के लिए, आपने सपोज 40 एंटर किया, वो किसके अंदर गया m2 के अंदर गया, तो m2 के अंदर क्या गया 40, फिर m3 के अंदर। इसी तरह से ये 5 टाइम्स मैसेज आएगा, तो अब ये दो बार आ गया, अब ये m3 के अंदर सपोज आपने मार्क्स एंटर किए 35, फिर m4 के अंदर सपोज आपने मार्क्स एंटर किए अगेन 40, और m5 के अंदर सपोज आपने वापस से एंटर क्या किया है, सब कुछ भी आपने एंटर कर दिया, ठीक है। ये सारे मार्क्स अब आपके पास अवेलेबल हैं, ओके। अब आपको उनको एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 चीजों का एवरेज, 5 ऑब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है, तो उन पांचों को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करोगे, ओके। तो इन सभी को हमने पहले प्लस किया, ये ब्रैकेट लगाने का क्या है इंपॉर्टेंस, अगर मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लगाती हूँ तो पहले डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ पहले ये एडिशन होना चाहिए, तो ये सारे जो मार्क्स हैं पहले एड हो जाएंगे, ओके।
उसके बाद में क्या होगा एडिशन, इनका जो रिजल्ट आएगा वो 5 से डिवाइड होके जो भी एवरेज होगा, सपोज 34 समथिंग एवरेज है, 34.5, वो एवीजी के अंदर स्टोर हो जाएगा और लास्ट में मैसेज क्या आएगा एवरेज, और फिर जो भी आपका एवरेज निकला है वो क्या आ जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमें करना क्या है, जोक डिस्प्ले करना है और यूजर जैसे एंटर की प्रेस करे तब पंच लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसा ही हमने किया है। यहाँ पे पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने जोक लिखा है, ट्रिपल कोट्स हमने लिखे हैं, इसका मतलब जहां पे हम यहाँ पे अगर लाइन ब्रेक करते हैं सपोज, तो हमें आउटपुट में भी कुछ वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं पहले। तो इसको हमने किया रन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो हमने फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है एंटर की, क्या लिखा हुआ है प्रेस एंटर की, मतलब अब हम कोई सी भी, वैसे तो देखो यहाँ पे एंटर की लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यूजर एंटर की प्रेस करेगा, लेकिन अगर हम कोई सी भी की प्रेस करेंगे तो हमें पंच लाइन डिस्प्ले होके मिल जाएगी। तो सपोज हमने एंटर की प्रेस किया तो देखो हमारी पंच लाइन डिस्प्ले होके मिल गई। ठीक है, अब ये है हमारा सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमें यूजर से क्या पूछना है, डेट पूछनी है, डे पार्ट ओनली और नंबर ऑफ डेज इन करंट मंथ, ये पूछना जरूरी है क्योंकि अगर हमें प्रोग्राम में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि आपको पूछना है, लेकिन अगर हम ये नहीं पूछेंगे तो हम टोटल डेज लेफ्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए हमें ये भी यूजर से पूछना पड़ेगा क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट 31 या 30 से ही नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रन। तो पहले हमने क्या पूछा है, डे पार्ट पूछा है, डेट पूछी है, फिर हमने यूजर से पूछा है कि भाई करंट मंथ में कितने डेज हैं, और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करके बस डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो अब इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे देखो सपोज आज की डेट है 27, तो 27 दिखा, करंट मंथ में डेज है 31, तो मैंने यहाँ पे 31 लिखा। अब देखो आउटपुट में क्या आया है, 4 आया है। अब ये है हमारा थर्ड प्रोग्राम जिसमें हमें क्या करना है, 5, 9, 5, 10 और 9 ये डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसको देखो जैसा मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था वो का वो यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखो आउटपुट में क्या है, 5, 10, 9, लेकिन ये क्या है नेक्स्ट लाइन में, मतलब जैसा हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला था वैसा की वैसा ही आउटपुट आया है। अब ये है इसका कोड, यहाँ पे हमने M1 के अंदर फर्स्ट नंबर लिया है, M2 के अंदर नेक्स्ट नंबर, M3 के अंदर फिफ्थ थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स, M4 के अंदर फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स और M5 के अंदर फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स, और AVG = इनका एवरेज फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लिया, उसको प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है ना, अब इसको हम करते हैं रन। तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स सपोज 45, देन 54, देन 34, देन 65, जो भी आपको मार्क्स एंटर करने हैं आप एंटर कीजिए, और ये क्या आ गया इनका एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है।